हेलो एवरी वन दट्स मी आकाश रनदेव एंड आई वेलकम यू ऑल टू बाई जूज एग्जाम वेल इतनी छोटी लेकिन बहुत इंपैक्टफुल बहुत नॉलेजेबल और बहुत मजेदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लाइफ इन इन एफ जी हाँ मेनली आई वुड से वॉट अबाउट द लाइफ बियॉन्ड एफ कैट एग्जामिनेशन एफ कैट जिसमें आपसे बहुत सारे लोग ऑगस्ट में अपेयर करने वाले हैं या हो सकता है कुछ लोग नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी में अप्रियर करें लेकिन उसके बाद क्या लाइफ होती है कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें लोग जाते हैं कौन सी ब्रांचेस में कौन से चैलेंजेस हैं क्या सैलरीज हैं क्या पर्क्स हैं ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो बेसिकली यू कैन से इट्स ऑल अबाउट टचिंग द स्काई विद ग्लोरी इन द इंडियन एफ ऑफ कोर्स एंड हाउ इज द लाइफ बियॉन्ड एफकेट एग्जामिनेशन अगेन आई रिपीट मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात नहीं करूंगा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं करूंगा हम लोग यहां पे फोकस मेनली करेंगे लाइफ बिकॉज उसकी तो हम लोग बात करते ही रहते हैं हर एक सेशन में लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि वेन वी यू सी नोटिफिकेशन आई एम श्योर यू ऑब्जर्व यू नो एडमिन लॉजिस्टिक अकाउंट्स एजुकेशन मेट्रोलॉजी ब्रांच फ्लाइंग तो ये क्या है ये ब्रांचेस की प्रोफाइल क्या है इसमें जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो ये जरूर हम लोग देखेंगे सेशन यूजफुल होने वाला है तो प्लीज एंड तक बने रहें और अगर यूजफुल लगे तो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं सो वेरी टॉक अबाउट द द एफकेट एफकेट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन वंस यू क्लियर आपको सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच ही नहीं बल्कि ग्राउंड ड्यूटी को ज्वाइन करने का भी मौका मिलता है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारी एक्साइटमेंट है ग्राउंड ड्यूटी जो कि नॉन टेक्निकल और टेक दोनों में से एक हो सकती है

इमरजेंसी सर्विस के लिए यूज हो रहे हो या किसी कैशुअल सर्विस के लिए यूज हो रहे हो या इवन आपने कहीं पे सप्लाईज ड्रॉप ही करनी है ये सारी चीजें जो हैं ये फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आती हैं लेकिन वॉट अबाउट द ग्राउंड ड्यूटी दैट इज नॉन टेक्निकल ब्रांच मैं जैसे कि आपको बताया मैं बहुत ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे तो फोकस नहीं करूंगा लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जहां पे एक तरफ फ्लाइंग ब्रांच में अपर एज इज़ ट्वेंटी फोर उसी तरह ग्राउंड ड्यूटी में वन एडवांटेज द अपर एज ट्वेंटी सिक्स ईयरस एट द दसमेंट ऑफ द कोर्स दिस मीन्स आपको दो साल यहां पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इनकेस फ्लाइंग के लिए नॉट एलिजिबल यू डेफिनेटली विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन टेक लेट वी डेल यू नाउ वेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज जो कि बहुत ज्यादा है इंडियन एयरफोर्स के पास वहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच रहती है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म ब्रांच इसमें क्या क्या आगे ब्रांचेस रहती है वो हम देखते हैं वी 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 हैव 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 गॉट 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 एडमिन अकाउंट्स लॉजिस्टिक्स मेट्रोलॉजी एंड एजुकेशन अब जरूरी नहीं है कि हर साल नोटिफिकेशन में सबकी वैकेंसीज आएंगी वो डिपेंड करता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास कैसी वैकेंसीज है कितनी वैकेंसीज हैं उस हिसाब से वो नोटिफाई करेंगे अपने नोटिफिकेशन में सो so, देखते हैं कि किस ब्रांच में क्या है सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसको हम लोग एडमिन ब्रांच बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच बोलते हैं वो क्या है सो so बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज एफिशियंटली बोथ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो यहां पे जैसे कुछ एयरफोर्स की ड्यूटी रहेगी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो कि मैनेज करते हैं फ्लो ऑफ एयर स्पेस जो भी एयर स्पेस है वहां पे कैसे ट्रैफिक हो रहा है उसको मैनेज किया जाएगा बेगोड फ्लाइट कंट्रोलर्स जिनका मेन जॉब है ऑफ डायरेक्टिंग फाइटर एयरक्राफ्ट और जो भी वेपन सिस्टम है अगेंस्ट एनिमीज अलग अलग ऑपरेशन जो होते हैं उनको प्लान किया जाता है अलग अलग रडार नेटवर्क्स को डिप्लॉय करके यूज किया जाता है इनके द्वारा विच अगेन एज यू नो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क क्लियर नाउ नेक्स्ट विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज अबाउट द लॉजिस्टिक्स ब्रांच लॉजिस्टिक्स ब्रांच के बारे में भी ज्यादा लोग जानते नहीं है लेट मी टेल यू वेन वी टॉक अबाउट द मटीरियल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स यहां पे लॉजिस्टिक ब्रांच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली जो भी इन्वेंटोरी जो भी चीज प्रोक्योर करनी है वो कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है कोई भी आर्म्स एनिनेशन हो सकता है वो सारी चीजें कहां से प्रोक्योर होंगी किस हिसाब से उनको ट्रांसपोर्ट करवा के लाया जाएगा हर एक चीज जो है वो लॉजिस्टिक ब्रांच डील करती है नाउ अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी ह्यूज यहां पर तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि कितना ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ये सभी ब्रांचेस ऑफ कोर्स अदर देन द फ्लाइंग ब्रांच व्हेन आई टॉक अबाउट द अकाउंट्स एज ए नेम इंडिकेट जो भी मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स हैं इंडियन एफोर्स के जो भी फंड्स हैं अवेलेबल उसकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और उसको मेक श्योर sure किया जाता है अकाउंट ब्रांच के द्वारा आई वांट टू टेल यू दैट यू विल एक्ट एज इंटरनल ऑडिटर टू इंश्योर जीरो डिफेक्ट ऑडिट फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसीज बाहर से भी ऑडिट्स होते हैं एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टाइम टू टाइम यू आर ऑल्सो गोइंग टू ऑडिट यू गोइंग टू मैनेज द फंड कहां पे खर्चा हो रहा है सही से वो खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अकाउंट ब्रांच जो है मेक मेकश्योर sure करती है सो अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ द नेक्स्ट ब्रांच विच अगेन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इज एजुकेशन ब्रांच एज अ नेम इंडिकेट इट इज बेसिकली इन्वॉल्व विद द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली एयरमैन है उनकी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए जो भी इंडियन एयरफोर्स के एयरफोर्स स्टेशन होते हैं वहां पर लाइब्रेरीज होती है बहुत शानदार उनको मैनेज करते हैं दे विल मेक श्योर की एडमिन ब्रांच जो है उसको भी सपोर्ट करें सो

उ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच दैट इज मेट ब्रांच इसके बारे में एक मजेदार चीज है कि आप जा पाते हैं मेट ब्रांच में यह एक बहुत इंटरेस्टिंग uh, आस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था देखिए अब एज ए टोल्ड यू आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द एलिजिबिलिटी पार्ट ऑफ इट बट सिंस मेट ब्रांच की बात हो रही है सिंस ये थोड़ी सी अलग ब्रांच है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्या इसके uh, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वुड लाइक टू टेल यू दिस यूम सो मैनी टॉक अबाउट द मेड ब्रांच एनी वन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसकी साइंस में मैथ स्टार्ट ज्योग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट ओशनोग्राफी इनमें से कुछ भी है विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट और मैथ्स और फिजिक्स उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है 55 उसमें आए हुए हैं जिबल फॉर द मेट ब्रांच सोट पीपल मिस आउट ऑन दिस बेसिक एलिजिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा इन स्ट्रीम्स में और परसेंटेज का क्राइटेरिया है मेट ब्रांच एज अट ब्रांच ऑफिसर यूर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजनरी जो भी इमेजरी होती है सैटेलाइट की उसको आप फोकस करते हैं मॉनिटर करते हैं बहुत सारे रेडार्स को जो भी हमारी एकदम सोफिस्टिकेटेड रेडार्स हैं उनको आप मॉनिटर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भी वेदर पैटर्न है वो आप नॉलेज जो है वो आगे पास ऑन करते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज यू विल मेक श्योर कि आप कॉशंस भी दे यू हैव टू गिव अ कॉशनरी रिपोर्ट ऑफ द वेदर हैज ताकि प्लेन हमारे डैमेज ना हो जाए खराब वेदर में उड़ने की वजह से सो वेदर फोरकास्टिंग की सारी जिम्मेदारी जो है कि भाई वेदर सेफ है या अनसेफ है फ्लाइंग के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सो मेट ब्रांच दैट इज वाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच बहुत क्रूशल ब्रांच है और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है इसके कंधे पे एनी वेज नाउ वी टॉक अबाउट द टेक्निकल ब्रांचेस मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन एयरफोर्स में इधर इट इज एरोनोटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इट इज एरोनोटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आई टेल यू मोर अबाउट इट सो वेन यू ज्वाइन द ग्राउंड ड्यूटी बेसिकली यू विल प्रोपेल एंड मैनेज योर टीम टू इंश्योर दैट इंडियन एयरफोर्स इज एयरवर्दी एयरवर्दी का मतलब क्या है एयर वर्दी का सिंपली मतलब है कि आपके जो भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो वेल well मेंटेन रहे प्लेन्स जो भी हैं वो प्रॉपर शेप में होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं आई वुड लाइक टू टेल यू फॉर एग्जाम्पल देखिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो है वो कौन एलिजिबल है ज्वाइन करने के लिए जैसे किसी ने भी अगर बी की हुई जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है एयरोनॉटिकल मकैनिकल मकैनिकल इंजीनियरिंग मतलब इंडस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग मेटलर्जी ये सब तो ये सब जो भी लोग हैं ये बिल्कुल एलिजिबल है एंड इन केस आपने कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ये सब पढ़ा है तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यू आर एलिजिबल तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज हाउ द हैज देशन डन तो डिपेंडिंग ऑन वॉट यू हैव स्टडीड इन योर बी टेक आप चूज कर सकते हैं नाउ मेंटेनेंस ऑफ ऑल द टेक्निकल टूल्स जो भी एयरक्राफ्ट के होते हैं चाहे वो एयरक्राफ्ट के रडार हो या बाकी जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है जैसे कभी भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम आता है तो उसमें ग्राउंड ड्यूटी सबसे आगे रहेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट वेरियस ब्रांचेस जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया नाउ लेट मी टेल यू वंस यू आर सेलेक्टेड एंड यू गो इन टू द एफोर्स अकेडमी चाहे आप ग्राउंड ड्यूटी के हो चाहे फ्लाइंग के हो टेक्निकल नॉन टेक्निकल यू आर गोइंग टू गो टू द इंडियन एयफोर्स अकेडमी वैन यू गो टू दैट दिस पर्टिक्युलर अकेडमी यू गोट टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आपकी जो माइंड और स्पिरिट है दोनों को तैयार किया जाएगा सो दैट यू बिकम अ गुड एयरफोर्स ऑफिसर नॉट ओनली दैट आपकी जो भी स्किल्स हैं वो परिखी जाएंगी आप में काफी सारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इंकल्केट किया जाएगा चाहे वो प्रोजेक्ट हो केस स्टडी हो ट्रेनिंग्स हो डिबेट्स हो बुक रिव्यूज हो योगा एवरी थिंग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें आप जेंटलमैन ऑफिसर जब बनते हो तो ये सारी चीजें उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है आपने से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे, गए वॉट अबर्ट द पर्स एंड सैलरी देखे यू नेवर ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स फॉर एनी पर्क और सैलरी बिकॉज आई थिंक ज्वाइनिंग इन इट सेल ब्रिंग्स अफ प्राइड बट स्टेल इन केस यू वॉन्ट नो एज फ्लाइट के डेट यूल रिसीव मोर देन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ एज अटाइपेंट आपको एक स्टाइप मिलता है and of course, you are then going to be commissioned as a flying officer. the moment you become a flying officer, of course, the next rank is flight lieutenant and junior level. once you go to the executive level, then you have got squadron leader, wing commander, group captain, and so on and so forth. i don't want to talk more about the ranks part, but what is interesting is, as an officer, you get a furnished accommodation. you get medical cover not for you, but also for your dependents. it can be your children and your parents. you get loans at subsidized rates. सी एस डी फैसिलिटी होती है जहाँ से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं ऑफिसर मेस है एल टी सी है ट्रैवल कंसेशन जो होती है लीव लेके यू गेट इंटाइटल टू सो मेनी लीव पर ईयर ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है फ्लाइंग अलाउंस फॉर द फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स टेक्निकल अलाउंस फॉर द टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेर यू आर पोस्टेड यू मे गेट अ फील्ड एरिया अलाउंस सियाचिन अलाउंस स्पेशल हिल एरिया अलाउंस आईलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और सो वॉन एंड सोफ मतलब द लिस्ट इज नवर एंडिंग बट अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इट इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग और प्रूडेंट थिंग टू ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स बिकॉज ऑफ दीज अलाउंसेज बिकॉज इफ यू आर केपेबल इनफ टू ज्वाइन द इंडियन एयर फोर्स ट्रस्ट मी आप कहीं पर भी ये अलाउंस ले सकते हैं लेकिन यू हैव टू ज्वाइन इट फॉर द ग्लोरी यू हैव टू ज्वाइन इट फॉर द जज्बा दैट यू वॉन्ट सोफ द नेशन अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी है अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है सुमेक्श्योर यू हिट द लाइक बटन कमेंट करके बताइए कि हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो जांच में टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन जरूर से जरूर करिए एंड शेयर करिए इसको मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हु आर वेलिंग और हु वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स ताकि उनको पता चले दैट इंडियन एयरफोर्स इज नॉट जस्ट फॉर फ्लाइंग इट इज मच मोर देन दैट एंड यू कैन एक्सप्लोर इट और थैंक यू सो वेरी मच जय हिंद जय भारत